नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक स्टूडेंट और छात्र छात्राओं के बारे में बहुत ही सैड न्यूज़ बताने जा रहा हूं। अभी अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आ रही है और आज तक न्यूज़ चैनल है उसमें ये खबर प्रकाशित हो रही है कि अभी अभी जो मध्य प्रदेश के बोर्ड रिजल्ट घोषित हुए थे उससे दुखी होकर 12 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, जिसमें मैं आप कुछ के नाम बता रहा हूँ जो आज तक न्यूज़ चैनल के अनुसार पढ़ के बता रहा हूँ, देख के बता रहा हूँ नाम इनके आपको। जो रश्मि है, जो जिसकी उम्र 18 साल की है और वो 12वीं कक्षा में पढ़ती है, और दीपेंद्र है जो 10वीं कक्षा का छात्र है और 15 साल उसकी उम्र है, दोनों भाई बहन हैं, और इन दोनों ने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सतना जिले के खमरिया के अंदर जो पैसीहान गांव है उसके रहने वाले थे। और मैं आगे और बता रहा हूँ, एक और शख्स है, एक और स्टूडेंट है नमन, जिन्होंने भी खुद के ही जहर का इंजेक्शन लगा लिया और आत्महत्या कर ली। इनको भी लगता था कि मेरे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, इनके 74% मार्क्स आए थे इस समय, लेकिन इनको लगता था कि मेरे 90% के आसपास नंबर आने चाहिए थे, तो इसी बात से दुखी होकर इन्होंने अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। इनकी मां नर्स बताई जा रही है और इसी कारण से इन्हें वो जो जहर का इंजेक्शन प्राप्त हुआ था वो इसी कारण से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये और भी कई जिलों से, कई शहरों से एक खबर आ रही है जिसमें भिंड है, इंदौर है, बालघाट है, जबलपुर है, ग्वालियर है, यहाँ पर भी जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं वो रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं और कई तो आत्महत्या भी कर चुके हैं, और वो आत्महत्या फांसी लगाकर, जहर खाकर और इन्हीं चीज़ों से वो आत्महत्या करें। तो मेरा कहना यही है माँ बाप को कि अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखें और उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़े जिससे वो कुछ कर सके। तो दोस्तों, अभी ये बहुत ही अहम घड़ी है अपने बच्चों के पास रहने की, आप सब काम छोड़कर अपने बच्चों के पास रहें अगर वो डिप्रेशन में लगते हैं तो, और उनका डिप्रेशन दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करें। और सरकार को भी चाहिए कि इसके ऊपर एक अच्छा कदम उठाए, क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चे आत्महत्या करते रहे तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा भूचाल आ जाएगा पृथ्वी पर। जो हमारे देश के होनहार बच्चे हैं, जो हमारे देश के युवा पीढ़ी हैं, वो इस प्रकार इतनी इतनी छोटी छोटी बातों की डिप्रेशन में जाएगी तो दोस्तों बहुत ही आने वाला समय है, फ्यूचर वो बहुत ख़राब हो सकता है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।